माई, हमरा लगे सब कुछ बा, फिर भी कुछ नीक नीक लागत। अगर तू रहतो तो शायद हमरा जीवन में आवे वाला तूफान के रोक लेले रहतो। आपको माँ की याद सता रही है? I mean, हमारे प्यार में कुछ कमी है। प्यार? प्यार के मतलब भी तू जाने लुका। अरे तो कि अगर प्यार बना तो खाली दारू और सिगरेट से। ए दुनिया में हम सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। हम साबित कर देंगे आज से हमेशा के लिए। दारू, सिगरेट, सब कुछ छोड़ देंगे। का भाई? हाँ? पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है राजा। एक मिनट। ठीक बाड़ू ना? हम ठीक बानी। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? आप लोग कृपया बाहर चले। डॉक्टर डोंट वरी, जो भी बताना है हमारे सामने बताइए। अगर बर्दाश्त कर सकती हो तो सुनो, शराब और सिगरेट पीने के कारण तुम्हारे यूट्रस और फर्टिलिटी पर बहुत गहरा असर पड़ा है, इसलिए अब तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। I have to go. Excuse me. हिम्मत से काम ले बेटी, सब ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा मम्मा। ना, ना कुछ ठीक नहीं होगा। हम कभी मां नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। अगर इस दुनिया में हमें सबसे प्यारा कोई लगता है तो वो है बच्चे, और हम अपने बच्चे का कभी सूरत ही नहीं देख सकेंगे मामा, नहीं देख सकेंगे। माही बेटा, शराब और सिगरेट बहुत खराब चीज है, जिंदगी बर्बाद कर देती है। यही सीख आपने उस समय दिया होता जब मैंने ड्रिंकिंग और स्मोकिंग शुरू की थी तो आज मैं बांझ नहीं बनी होती। आप ही मेरी कोख के कातिल हैं, मेरी ममता के खूनी हैं आप। आपने मुझे दारू सिगरेट पीने से क्यों नहीं रोका पापा, क्यों नहीं? हाँ बेटा, गलती हमारी ही थी कि हमने तुम्हें बेटी की तरह नहीं एक बेटे की तरह पाला। तुम्हारे शौक ही तुम्हारी खुशी बन गए, और तुम्हारी खुशी देखकर हम बेफिक्र हो गए। आज समझ में आ रहा है कि अपनी औलाद को उतनी ही छूट देनी चाहिए जितनी उसकी लाइफ के लिए फायदेमंद हो। जरूरत से ज्यादा छूट देना किसी भी परिवार को बर्बाद कर देता है। हम ही तुम्हारे गुनाहगार, ज्यादा लाड़ प्यार में हमने तुम्हें, तुम्हारे अरमानों को खत्म कर दिया। हम तुम्हारे गुनाहगार हैं बेटी, हमको सजा दो बेटी,
तुम जो चाहे सदा तो, पर तुम मत रो बेटी, मत रो। क्यों नहीं रोता पापा? चुप हो जाओ। क्यों पापा? जयपाल, आज तक हम अपने बेटी की आंख में कभी आंसू न देख ली। लागत कि हमारे लालन पालन में कोई कमी रह गई। अरे हमरा के अपने ऊपर शरम आवता। अरे हमरे साथे साथे तोरे खानदान का भी कुलदीपक पूछा गई। दौलत के दम पर खुशियां खरीदे वाला और बेचे वाला अक्सर कंगाल हो जाले। हमरा से ज्यादा किस्मत खराब रहुआ सबके बा। भौजी एगो बात बताई, ए धन संपत्ति के भोगे वाला वारिस कहां से लिया? अनाथाश्रम से कोनो बच्चा गोद ले लिए जाई? अनाथ के वारिस ना, अपना खून के वारिस कहल जाला। लेकिन जब हमार बेटी माई बनिए ना सकेला तो खून की बात कहां से आ गई? वो आएगा पापा। मैं कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन मेरे पति तो बाप बन सकते हैं ना? मतलब? मैं अपने पति की दूसरी शादी कराऊंगी। तो क्या मालूम पा तू का कहता रो? समझ में आवा तो? अच्छी तरह। इनकी शादी उसी से होगी जिससे ये बहुत प्यार करते थे, जिससे शादी करना चाहते थे, उसी से। इसको कैसे पता चला? केकरा से? रानी। का हो? आ गए लू अपना सौतिन से मिलके। तुम लोग कौन हो और किसकी बात कर रहे हो? हम आपके शुभचिंतक हैं और रानी की बात कर रहे हैं। रानी? राजा और रानी के प्रेम कहानी पूरे गांव जवार में हिट बा। रउआ जितना जल्दी हो सके रजवा के लेके शहर निकल जा, ऐसे पहले कि दोनों तोरा कपारे पे बैठ के तांडव करें। बिस्तर लगाईबू तू ऊपर सूती तोरे पति के साथे ऊ मतलब रनिया। कहीं आग न लग जाए। हाँ सच में पहला प्यार कोई भी भूलता नहीं, मैंने महसूस किया है। ये आज भी रानी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन बेटी एक बात बतावा, अपने पति के साथ तू कोई दूसरी औरत के बर्दाश्त कर पाईबू? हम सब कुछ बर्दाश्त कर ले पापा, लेकिन हम ही बकवास बर्दाश्त ना कर सकीले। हम ही शादी ना करब। जब आप अपने पिता की खुशी के लिए हमसे शादी कर सकते हैं, तो हमारी खुशी के लिए उस लड़की से शादी क्यों नहीं करेंगे आप? जो आज भी आपकी राह देख रही है, जो आज भी आपके लिए तड़प रही है, बहुत प्यार करते हैं आप उससे। उसकी तड़प बद्दुआओं का ऐसा कहर बनकर आज मुझ पर बरसा है। सिंधा लाश बनकर रह गई हूं। अब तो हम में जान तभी आएगी जब आप रानी से शादी करेंगे। दोनों का प्रेम से जो फूल खिलेगा उसे मैं अपने आंचल में ऐसे ऐसे संभाल कर रखूंगी। वही हमारी औलाद होगी, इस कुल का दीपक और वारिस होगा। जैसन तोर मर्जी बेटा। बाऊजी, जौना लेकी के घरे जाके ओकरा बाप करुआ बेइज्जत कैनी, ओकरा के जान से मारे के कोशिश कैनी, उस शादी खाती कैसे राजी होई? हमने देखा है कि रानी के दिल में आपके लिए बेपनाह मोहब्बत है। और रही बात उसके पिता की, तो ससुर जी आप अपने बेटे की खुशी के लिए उनसे माफी नहीं मांग सकते? बताइए ना बाबूजी, बताइए, अपने बेटे के लिए माफी नहीं मांग सकते?
ठीक बा बेटा,